हम गायक बीजालाल भारतीय साथी एमडी म्यूजिक के सौजन्य से अनिल भाई के देखरेख में बीरस का धमाका भेज रहा हूँ आपके बीच में। आशा न पूर्ण विश्वास बात जरूर पसंद आई। कवि जी चार लाइन भूमिका लिखलन कैसे तो जग गई हौसलाए फड़कती भुजा आज कर कर को जड़ से हिला देंगे हम चाहे आधी चले चाहे तूफान हो फूल में तेरा जलवा मिला देंगे हम रण की देवी लहू से नहाए भले इस मरुस्थल पर गुल्ले खिला देंगे हम जिसके बल पे मुझे आज ललकार हो जिंदा रहने न देंगे जला देंगे हम। एक लाइन कव्वाली का अंदाज कैसे मास्टर? कि सज कर मेरा जना जा कि ये बाबू की सज कर मेरा जना जा जाएगा जब निकल के सज के मेरा जना जा मेरी कब्र पे तू आके मेरी कब्र पे तू आके रोना न हाथ मल के मेरी कब्र पे कवि जी बिरहा में कितना सुंदर भाव लिखल मास्टर कि ये बाबू की जरूरत कहाँ किसी में बाबू की जरूरत कहाँ किसी में जो झंडा मेरा झुका दे मर कर वही अमर है मर कर वही अमर है जो हंस के गला कटा दे मर कर वही अमर है। ए बाबूजी यही जग से हमरे बिरहा के शुरुआत भल कवि जी जौहरी लगौलन 24 लाइन कवि जी जौहरी देलन मास्टर एक एक लाइन साफ साफ फरचा के बन के आवा पिरो का बसा घराना
सही है, एक के बताओ जला कि बीरस, जैसे तलवार का धार चले अगर वैसे बीरस के भाव चले तब बताओ जला ई सही है। कौन समय के कवि जी बात लिखलन? बात उस समय की है जिस समय बादशाह अकबर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था बाबूजी, उसी समय की बात है। बादशाह अकबर का पहलवान रशीद था, ए बाबूजी पूरा दरबार से खर्चा मिलत रहे कुश्ती लड़े के। एक दिन बादशाह अकबर मुनादी बजवा दिलन, हे कई माई कलाल, तो हाथ मिला ले हमारे हमारे पहलवान से। ए बाबूजी सुखदेव पहलवान पहुंचलन अखाड़े के ऊपर, जब ही हाथ मिलावल चाहत हो तब तक बादशाह अकबर हंसे लगल, आवाज दिया, ए पहलवान तुम क्या मेरे पहलवान से लड़ोगे? अरे जाओ अपने गुरु दयाराम को बुला लाओ। ए बाबूजी गुरु दयाराम पहुंचलन, कैलन का एक लाइन गीत लग गए। कौनो देवर अपने भौजाई का शिकायत बतावत रहे का मतलब कि देवरा कहे, अरे तनता का ये भौजी तुहार कजरा बड़ा बताए भौजी, लेकिन गुरु दयाराम एक आवाज दिलन, का आवाज दिलन मास्टर, कि अरे किसरवा सुतल, अरे जाग जाई राजा, अब तो हर पनिया उतर जाई राजा। पहले सुखदेव से रसीद से लड़ाईला, हमारे मात सिरवा पे ताज बदलवाईला, हमारे आज मन करबू सेवकाई राजा तोहार पनिया उतर जाइए राजा। दयाराम पहुंचलन आवाज दन की, अरे बादशाह यह कुश्ती हमारे शीश से लड़ी जाएगी, अगर तुम्हारा शीश हमारे शीश को पटक दे रहा है जिंदगी भर तुम्हारे चरणों की धूल बन करके रहेंगे, जो कहोगे वही करेंगे, तुम्हारी गुलामी करेंगे। ए बाबूजी गुरु दयाराम का पैर पकड़ते हुए सुखदेव पहलवान उसमें भैल का एक लाइन गीत लग गया। परदेसिया न भावे अंगनावा, बिरई बनल बासे जारिया मोरी उड़ी उड़ी जाले अचरिया, लेकिन गुरु दयाराम के पैर पकड़ते हुए सुखदेव पहलवान उसमें भैल का मास्टर, कि चले सुखदेव पेट ठोके दयाराम, अरे झुक न पावे माऊरी
रखिया रखिया सबावा में पगरिया ललकारे अकबर रसीद के जाई हंस के सुख देवलिया हथवा मिलाई अरे दो मिनट भाग भाग जनवा बचवल अरे अकबर कहिले टंगारिया रखला सभावा में पगरिया बाबू हाथ मिले लग कुश्ती चालू हो उसमें भैल का मास्टर चौलरिया में भाव लगल बाड़े दून पहलवान वारे जवनवा जागल जो सब दनवाना फिर दोबारा सुख देव धैले मर मुल्तानी दासित कैले तरता ताली बजल बा जंगल के दरम्यान नवारे जवनवा जागल जो से बदनवा बाबू हाथ मिलल कुश्ती चालू भल सुखदेव पहलवान से आ रशीद पहलवान से ए भैया हाथ मिलल कुश्ती चालू बा दोनों पहलवान निंगोटा जंगिया पहिर के खड़ा के ऊपर अइलन पकड़ के जेवी खींचल चाहता काला जंग पर सुखदेव पहलवान तब तक रशीद पहलवान भागत है बाबू अखाड़ा से बाहर भागत खींच लिया अखाड़े में ए बाबू मुल्तानी दाव मार के चीत कर दिलन तर ताली बजे लगल ए भैया बादशाह अकबर सुंदर साफा से लिया के स्वागत कैलस जो न समझ सुंदर साफा से स्वागत कैलस लिया के उसमें बाबू भैल का तेरी शैली में भाव लगल कि भूमंडल पर भूचाल आ गया बाबू की भूमंडल पर भूचाल आ गया तो का ताल जंग में एक बस लाल रे ओ लाल रे ओ लाल रे ओ लाल ए बाबू कुश्ती पटक के अपने घर की ओर चल दिलन जब घर की ओर चल दिलन घर में जो ही जाल चाहते हो तब तक एक गांव का माई देखलस आवाज दिला अरे बेटा कहाँ जात हुआ लाल कलन की माई कहियो बीजक सेरा बात के ना आईली तो मतारी हमके घर में जाए देलू आज का बात थी कि मतारी हमके घर में न जाए देतो कलन की बेटा तोहरे बेटा पैदा भल है घर लीप हो जाए लाल करे बाद घर में जइया ए बाबूजी घर लीप पोत के रेडी भल सुखदेव पहलवान घर में गेलन गोदी में दुल्हन बचवा के दे दिलक खिलावत हुए सुखदेव पहलवान पूछत हुए कि दुल्हन ने बेटवा के का नाम रखाई बतौलन की का क्याल हुआ स्वामी का क्याल हुआ कलन की आज हम विजय के सेहरा बात क्याल है तब बतौलन की आज से कर नाम विजय रख जा ए बाबू जी लेकिन पापियन के जान हाथ दिया ऐसन करा कि बांस रहे न बांसुरी सुखदेव पहलवान का काम कर है दिन भर गोरु चरावे राती के आए के खाना खाए के फिर वापिस चल जा गोरु में
ए बाबू गांव में बारात आवे वाली बा, आ विजय के साफा में लपेट के दुल्हन चल गई बारात देखे। तब तक पापी एलन सिकड़ी बंद करके घर में आग लगावे के तैयारी करत हमें, सोचत हमें कि आग लगा दे। कैसे सोचत हमें, रौद रस लग गई कि प्रतिशोध की ज्वाला भय उठी, प्रतिशोध की ज्वाला भय उठी, अकबर मन अंदर ठान लिया, ईद मेरी बन गई मुहर्रम, सभा बीच अपमान किया। निठुर अभिमानी अकबर ने तब योजना एक बनाया है, पहलवान सुखदेव के घर जब पापी आग लगाया है। ए बाबूजी केवाड़ी के बंद करके सिकड़ी चढ़ा देना, और तेल छिरी के बाबूजी घर के जला देना, घर धाए धाए करके जले लगल। सुखदेव पहलवान के खाना खेले का टाइम हो गई लहो, घर में आवत रह तब कुछ दूर में रहना, देखलन हमार घर जलत, सोचे लगलन ए बाबू की हमार विजय आ दुल्हन हमार लगत है कि जल के मर गई, अब हम केकरे खातिर जिय, अब हम केकरे खातिर रह। ए बाबूजी वही एक ठे बड़ा जंगल है, वही जंगल में चल गेलन। उधर का बात उधर छोड़ी, लेकिन इधर का भर दुल्हन बचवा की गोदी में लेके घरे आई लिया, देखत है घर धाँ धाँ करके जलत है, सोचे लगल कि हमार सैया जी आल ना खाना खाए, लगत है कि पापी केवाड़ी बंद के आग लगा दिल। जब हमार पति ना है, हमार अंदर सिंदूर ना है, तब हम केकरे सहारे जिय। ए बाबूजी आधी तूफान आल है, वही में गोद में लेके बचवा के लेके चल दिल। कहाँ गई, कुछ दूर पहुँचल है, ए भैया नंदा ठाकुर के एक ठे हवेली लौकल, वही हवेली के सामने बरजा के सामने सोचे थे कि कुछ बारिश कम हो जाए तो लेके जाई बचवा के, तब तक बच्चा ना बाबू बौछार मलस रोवे लगल। जब रोवे लगल तो नंदा ठाकुर बुलाए के एक ठे बात पूछना, कौन बात पूछना मास्टर, गीत लग गई। कौनो सास अपने पतों के समझावत है, कैसे समझावत है मास्टर, कपगला गैलू नाये या कपगला गैलू हो, हम तो खुद रही बउरैया, हम तो खुद रही बउरैया, अय्या का पगला गेलू हो, ए बाबू नंदा ठाकुर बुलाए के पूछत हुए, का पूछलन मास्टर, मोरी भवन आया गैलू ना हो, मोरी भवन आया गैलू हो, बिटिया कहवा तोरे वतनवा, बिटिया कहवा तोरे वतनवा, मोरे भवन आया गैलू हो, आंसू लेके रोवत ही झरझर झरझर आंस बरसत है। नंदा ठाकुर से बतावे लगे, क्या बतौला, कौन पापी आग लगौला से, बिटिया पहले करा तू भोजनवा, मोरे भवनवा आ गइलू हो, ए बाबू घर में बुलाए के ले जाके खाना खिलौलन, कपड़ा बदली करोलन, कलन कि आज के बाद तू हमार धर्म का बहिन हो, आज के बाद यही जग
रहा करखा। ए बाबूजी धीरे धीरे कुछ दिन बीतल हो जौने समय बचवा 6-7 साल का भय। एक दिन नंदा ठाकुर आके कहलन कि बहने सोचत थी कि बहने का एडमिशन करा दी। एडमिशन करा दे तब तक सोचे लगल आंख में आंसू लेके दुल्हन की आवाज दिया ए भैया ना 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 ऐसा ना हो सकला। एकर बाप जिंदगी भर पहलवानी कैलस इहो पहलवानी करी। नंदा ठाकुर कहलन की तब ठीक है कुश्तियो लड़ी आ एकर बाद पढ़ाइयो करी। ए बाबूजी अखाड़ा खनवाएगा रोज पहलवान जाए लगन अखाड़ा में आ इधर बीजे भी लड़े लगल। धीरे धीरे कुछ दिन बीतल धीरे धीरे जब 17 साल का भयल जवानी के दहलीज पे पहुंचल ए बाबू। नंदा ठाकुर सोचे लगलन कि एक दिन दंगल प्रतियोगिता करवा दी आ तमाम पहलवान आइए वही में कुश्ती लड़ा दी अपने बहने की। ए बाबूजी दंगल प्रतियोगिता रखवा दिलन जब दंगल प्रतियोगिता रखवा दिलन कोने कोने से पहलवान पहुंचे लगलन। वही में एक ठे जोगी बाबा जात में सरंगी के बजावत तेरत गावत जात में। कैसे जात है मास्टर एक ठे माता बहन लोग गीत गावन कैसे गावन मास्टर अरे नह काटू रे नौआ अरे नह काटू रे अरे हमरे बबुआ के पतरी अंगुरिया संभाली नौआ नह काटू रे बाबू जनता के भीड़ जात बा वही में एक ठे जोगी बाबा जात में। कैसे जात हो मास्टर आवल हो भैया अरे आवल हो अरे वही रहिया से जोगी ये कयावल असरंगी बजावल हो बाबू जनता के भीड़ में जोगी बाबा सरंगी के बजावत गावत जात में अखाड़ा के करीब पूछत पहुँचलन पूछत हुए जनता से का पूछलन कि अरे कैसन भीड़ लागल अरे बाबा फरमावल सरंगी बजावल हो। पूछलन कि भैया भैया कैसन भीड़ लगल है कहाँ जात वालों। बतौलन कि आज नंदा ठाकुर के घरे दंगल प्रतियोगिता रखल कुश्ती प्रतियोगिता वही में हम जाए जाता कुश्ती लड़े कुश्ती देखे जाए जाता। ए बाबा जोगी बाबा कहलन तब हम चलब कुश्ती देखे। अखाड़ा के करीब में पहुँचलन तमाम पहलवान के खाँचत खुचत ए बाबू अखाड़ा के करीब में जाके बैठ गेलन। तमाम पहलवान कहते कि ए बाबा जबले यहाँ कुश्ती देखबा तबले दो चार गाँव घूम लेबा। कहलन कि ना बेटा हमहू कुश्ती देखब। अखाड़ा के करीब जोगी बाबा बैठल हमें विजय पहलवान निमोटा जंघिया कस के बाबूजी अखाड़ा के ऊपर आयल। तमाम पहलवान आय के हाथ मिलौलन अखाड़ा के ऊपर रेफरी घुमौलस आ तमाम पहलवान जाय के हाथ मिलौलन। ए बाबूजी एको मिनट ना लगे तुरंत उठाए के पड़क दे नंदा ठाकुर के 20,000 रुपया एक चांदी के गदा ले जाए के अखाड़ा के ऊपर आवाज दिए है कोई माई कलाल तो हाथ मिला ले नहीं तो हम ये पुरस्कार देने के लिए जा रहे हैं 20,000 रुपया एक चांदी के गदा। ए बाबूजी इतना बात सुन जोगी बाबा सरंगी गुदरी फेंक के चढ़ गए तुरंत जाए के हाथ मिला लेन कहलन कि ये कुश्ती हमसे हो जा। तमाम पहलवान सोचे लगन कि देखला जोगिया का कुश्ती लड़े जाता अपन औकात ना देखा था। लेकिन ए बाबूजी कहलन कि झूठ मुठारा हो जा हाथ मिलल जब कुश्ती चालू हो गई उस समय भैल का
ये हमारे गुरु जी के गुरु जी सिमरत गुरु अपने जवानी के आलम में सजा के गावत रहन इसमें हमारे गुरु श्याम देव गुरु गावत हुए कैसे गावत हुए चिकन मटिया नरई ताल का चिकन मटिया जहाँ बसे पर्वत पहाड़ गोरिया बाबू हाथ मिलल है विजय पहलवान जोगी बाबा से उसमें भैल का कि अरे कि जागल बुढ़ौती में जोश जवानी जागल बुढ़ौती में जोश जवानी का पानी पमर पनीदार जगिया बाबू हाथ मिलल केहू देखलस केहू देखू ना पोलस चढ़ दे जोगी बाबा पकड़ना पर्दे उठा के पड़क देना तड़ 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 ताली बजत बा तमाम लोग कहते हैं कि अरे जोगिया के देखा जोगिया के देखा कुश्ती पटक देलस ए बाबू ओ समय नंदा ठाकुर 20,000 रुपया एक चांदी के गदा लिया के सम्मानित करे खातिर जात हमें जो ही देत हमें जोगी बाबा के उस समय जोगी बाबा कहलन कि ठाकुर साहब ये रुपया पैसा हमके ना चाहिए ये जो रुपया पैसा आप देवल जाता यही खर्चा से ये पहलवान के लड़ा खिया पिया के कोनो अच्छा उस्ताद से लड़वा नंदा ठाकुर कहलन कि ए बाबा तो से अच्छा उस्ताद तक केहू ना है कहलन कि ठीक है लड़ाएंगे लेकिन कुछ दूरी पर अखाड़ा रहना चाहिए क्योंकि पहलवान सूत उठ करके अखाड़ा पर दौड़ता हुआ जाए वहाँ से लड़ने के बाद दौड़ता हुआ वापिस घर आए ए बाबूजी जोगी बाबा कुछ दूरी पर जाए के लड़ावे लगलन विजय पहलवान के धीरे धीरे कुछ दिन बीतल ऐसा लड़ा देलन अब वो अरियात करियात में केहू धूर लगावे वाला ना है जोगी बाबा कहलन कि अब हम अपने घरे जाए अपने कुटिया पर जाए तमाम पहलवान कहलन कि बाबा आज रुक जाइए आप कल जाल जाए आपके कल गुरु दक्षिणा में कुछ देवल जाए ए बाबू तमाम पहलवान अपने अपने घरे एलन जाए के रुपया पैसा गेहूँ चाउर सिकड़ी अंगूठी का तमाम तमाम लोग व्यवस्था करत में विजय पहलवान आए के घरे अपने मतारी के पास आँख में आंसू लेकर रोवत कहत कि माई हम का दे बाबा के हम का दे लाख ही माई हम तो दूसरे के घरे आल हेलन माई हम का दे बाबा के आंख में आंसू लेके मतारी रोए थे कलश की बेटा तू तो वो चीज देवा लाल जोन की केहू ना देले होई ए बाबूजी सुबेर भर तमाम पहलवान आपन अपन लेके पहुंचलन जाए के जोगी बाबा का स्वागत करत में सबसे लास्ट में विजय पहलवान पहुंचल वह साफा जोगी बाबा के बान के सर के ऊपर सम्मानित कैलस जोगी बाबा जोने समय साफा देखलन आंख में आंसू लेके रोवे लगलन विजय पहलवान पूछलस बाबा काहे रोत हो बाबा यही मार रोत हो ना कि हम मैल कुचल साफा देली बाबा कहलन कि ना बेटा ना आखिर बाबा रोला का है हमें बतावा भैल का पपड़ में भालो कि तोहरे हाथ बात चलवन कैला आज आज जोगी बाबा हमें बतावा रोले के तू आज आज जोगी बाबा बाबा तू कहे खातिर रोला हमके बतावा जोगी बाबा पूछत हुए का पूछलन कि जोगी बोले ए बेटा तू साफा कहाँ से पवला हो अब बुझल आग में डाल के घिवा
अरे काए के दद कला हो। बाबा एकरे विषय में हमके मालूम ना है, एके माई बता सकेले। का बतौलन कि अरे बहुत दिन से रखली माई साज, आज जगी बाबा कि दक्षिणा में रखिला हमरो, अरे लाज आज जगी बाबा। कहलन बाबा यह हमरे पास हो। कहलन कि आज ना जाए, हम कल जाए, एक बार अपने मतारी से हमके भेंट करा दा। ए बाबूजी जो ने समय भेंट कराओ खातिर लेके चल दलन, उस समय भैल का आलम भाव लगल। कि भेदवा के बतिया, अरे बतावे जब मायरिया, हाय हे कि जर जर नयनवा से बहे जलधा। बाबू घरे पहुँचलन नंदा ठाकुर के बुलाए के, कहलन ठाकुर साहब आज एक गलती करे जाथिला। नंदा ठाकुर पूछलन कौन गलती, कहलन कि आज यही साफा के विषय में आज हम पूछे आए हैं। ई विजय के मतारी साफा कहाँ पौनी, ए बाबूजी दरवाजा के सामने खड़ी होके आँख में आंसू रोय के लेके रोवत है, झरझर झर आंस बरसत है, बतावत है कि बाबा का पूछ देला, बाबा का पूछ देला, जानल चाहत हुआ तला हम बतावत है। का बतौला सैया हमारा नाम पहलवनावा, सैया हमारा नाम पहलवनावा, एक बार लड़े गैला अकबर के दरबार, गौरवा में लेके लदीजा का उपहार। ए बाबा हमार आदमी हो, एक नामी पहलवान रहल, एक बार बादशाह अकबर के दरबार में दंगल प्रतियोगिता रखल है, आ वही दंगल प्रतियोगिता में बादशाह अकबर के पहलवान के पटक केलन, विजय के सेहरा बांध के जौने दिन अलन, वही दिन बाबा हमार बचवा विजय पैदा भल है। लेकिन आओ का बतावत है, कौनो निरमोही पति धोखावा कमैला, घरवा में जला पति अगिया लगा, बाबा घर में पापी सब मिल के आग लगा दलन, वही में जल के हमार पति देव जी राख हो गेलन, आँख में आंसू लेके रोवत है, अब बतावत है कि बाबा पापी सब घर में आग लगा दलन, हमार पति देव वही में जल के राख हो गेलन, जान बचाए के नंदा ठाकुर के घरे आए के हम रहे लगले। इतना बात सुनल ए बाबू जोगी बाबा भोकर के रोवे लगलन, जो ने समय भोकर के रोवे लगलन, उसमें भैल का मास्टर खड़ी में भाव लगल। किनारे साथ पवले हम सुगारे ला ला ना, हम ही बाट त्वर से नूरावा सुख दे सजाना,
हम तो जाने की पगली तू जल के राख हो गई, लेकिन आज तू पगली जिंदा है। ए बाबू गले से गले मिलके रोवत बना, लेकिन उसमें भैल का कि बिना भावना भय भजनिया बिन सावन बरसात, बिना मार्गदर्शन के कवि के कविता नहीं सुहात। धंडर विधाना का विधाना वत्सुक दे सजान, बाबूजी जोगी बाबा सुखदेव पहलवान आ उनकर दुल्हन विजय नंदा ठाकुर के घरे वही जक रहे लगलन, अपन दिन व्यतीत करे लगलन। ओ समय भैल का लास्ट में कहना मैं कैसे, गुरु बिहारी पत्तू सरजू धन किस्मत का खेल, सोहित यादव सो